वह खा रहा है। स्पीक लाउडली, थोड़ा जोर से बोलिए। ही इज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग। वे लोग खेल रहे थे। They were playing. If you are unable to speak English or if you hesitate to speak English, then I'm sure that after watching this video, you all will start speaking English. Guys, we are going to discuss what is the most important thing to speak English. The most important thing to understand to speak English is to know the correct use of verbs. English बोलने के लिए, English बोले कैसे बोला जाए, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको वर्ब के करेक्ट यूज को समझना पड़ेगा। गाइस, अगर आपको वर्ब का, इफ यू नो द करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, देन आई एम श्योर कि आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं। और अगर आपको करेक्ट यूज वर्ब का नहीं आता है, हाउ एवर हार्ड यू मे ट्राई, यू कांट स्पीक इंग्लिश, इट्स माय गारंटी। सबसे पहले आप समझिए कि वर्ब्स है क्या। यहां पे तीन तरह के, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब्स हियर व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। Auxiliary verb. अगर आप auxiliary verb को नहीं समझ पा रहे हैं, if you are unable to understand auxiliary verb, तो आप इंग्लिश कदापि बोलने नहीं जा रहे हैं। Auxiliary verb में देखना क्या है, to be, is, am, are। देखिए, to be का मतलब क्या होता है, to be के अंतर्गत में is, am, are, was वो आता है। To be you understood, after that to do it means do does did, this is to do, do does did को आपको समझना है। To have has had, ये ऐसे एक्जुलरी वर्ब्स हैं जिसका प्रयोग टेंसेस में किया जाता है। और अगर आपको ये नहीं आता है तो आप टेंसेस नहीं समझ सकते, और टेंसेस नहीं समझेंगे तो आप इंग्लिश समझ नहीं सकते, क्योंकि पूरे टेंस में ही इंग्लिश आधारित है। सेकंड है मोडल एक्जुलरी वर्ब। अगर आपको मोडल एक्जुलरी वर्ब भी नहीं आती है तो आप इंग्लिश तो बोल ही नहीं सकते हैं, ना इंग्लिश समझ सकते हैं। और लास्ट है मेन वर्ब। ये तीन वर्ब्स को आप समझ जाइए, एक्जुलरी वर्ब्स, मोडल एक्जुलरी वर्ब, मेन वर्ब्स। ये अगर तीन वर्ब को आप दिमाग में सेट कर लिए तो आपको इंग्लिश बोलने से कभी भी आगे कोई भी रोक नहीं सकता है। आप जरा सा भी हिचकिचा नहीं सकते इंग्लिश बोलने में, अगर आप ये तीन वर्ब को समझ जाए, एक्चुअली वर्ब, मॉडल एक्चुअली वर्ब, मेन वर्ब। गाइस, एक्चुअली वर्ब एंड मॉडल एक्चुअली वर्ब, आपको तो इसको रटना ही नहीं है, आपको सिर्फ रटना है, ऑल यू हैव टू लर्न इज मेन वर्ब। सिर्फ मेन वर्ब को ही आपको लर्न करना है, क्योंकि मेन वर्ब में मतलब ये भंडार है गाइस, इसका तो अंत ही नहीं कि कितने सारे एक्शंस वर्ड्स हैं, कितने सारे एक्शन हैं। लेकिन हाँ, जो भी यूजेबल है, जो ज्यादातर यूज किया जाता है, उसे तो लर्न कर लीजिए। तो आप ये जितना बूस्ट करेंगे, ये उतना ही आपके लिए यूजफुल होगा और इंग्लिश बोलने में सहायक होगा गाइस। तो आपको एक्जुलरी वर्ब, मॉडल एक्जुलरी वर्ब, इनको तो ज्यादा रटना ही नहीं, क्योंकि ये सिंपल है, इसका फिक्स नंबर है, आप देख सकते हैं। कैन कुल मे मैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से ये 13 हो गए, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हो गए। ठीक है, तो ये यू हैव नॉट टू क्रैम इट, इसे इन दोनों को आपको रखना।